morning, viewers. Hello and welcome to the morning news show where we bring you the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. I'm Kuina Sharma and you are watching CNN News 18. First up, on top of this bulletin, we're tracking some inputs on PM versus the Congress. Now, Prime Minister Narendra Modi's wealth redistribution remark against Congress has now resulted in a massive political slugfest between the Congress and the BJP. Now, Congress President Mallikarjun Kharge has sought appointment with the Prime Minister Narendra Modi to ask him to prove the allegations against the party's manifesto. Now, he's added that Congress's manifesto has no mention of the words Muslim and Hindu. Now, Kharge has termed PM Modi's remarks as hate speech. Now, Congress also met the Election Commission and put forward 16 complaints against the BJP and other actors for violation of the Representation of the People Act 1951. Remember, Prime Minister Narendra Modi in his statement had said that Congress will distribute wealth to those who have more children and to the infiltrators. Now, he's further added that earlier, former Prime Minister Manmohan Singh had said that Muslims have the first right to the wealth of the nation. आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को हटने का अधिकार है क्या? और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगल सूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। ये तो डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। कैसा कौन, किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू मुसलमान शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं, ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। कांग्रेस परिवारवाद की द्योतक बन चुका है, प्रतीक बन चुका है, और उन्होंने जिस ढंग से समाज में एक मैसेज देने का काम किया मनमोहन सिंह ने, जब वो प्रधानमंत्री रहे 10 साल पहले, कि भारत की संपदा पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। हमारे प्रधानमंत्री ने दिया कि भारत के संपदा पर सबसे पहला हक गरीबों का है। ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की नीति है, मुसलमानों के केवल वोट के लिए ऐसी बातें करते हैं। कांग्रेस इज ओनली फोकस विथ वन कम्युनिटी, बीजेपी इज फोकस विथ ऑल द कम्युनिटी। नाउ कांग्रेस हैज सेड दैट द फर्स्ट राइट ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ द नेशन lies with one community.
are we not taxpayer? The Scheduled tribe of these countries are not taxpayer. But what we said that the first right of the resources of this country lies with the youth, lies with the women, lies with the Scheduled caste, lies with the Scheduled tribe, lies with the women, lies with the farmers, lies with the hard-working, toiling masses. He has come to know that there is a big threat from the Congress party, and Congress party will come stronger. That is why Modi ji is commenting on the Congress party.